क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार आज तक। संपत्ति विवाद में विधायक के ऊपर ताला तोड़कर भाजपा कार्यालय खोलने का आरोप लगा है। डीके शिकारपुर एस्टेट के परिवार से जुड़े स्थानीय भाजपा विधायक रश्मि वर्मा और उनके जेठ आशीष वर्मा उर्फ मधु बाबू के बीच एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। संपत्ति से जुड़ा यह विवाद अब काफी आगे निकल चुका है और विधायक के द्वारा भगवती सिनेमा परिसर में पार्टी कार्यालय खोलने की शिकायत के बाद शुक्रवार को शिकारपुर पुलिस पहुंची, उपस्थित दोनों पक्षों से पूछताछ की और कागजात प्रस्तुत करने को कहा। आशीष वर्मा उर्फ मधु बाबू ने बताया कि विधायक द्वारा जबरन उस मकान का ताला तोड़कर पार्टी कार्यालय खोला गया है, जबकि उन्होंने उस मकान को किराए पर दिया है। पुलिस ने किराएदार से भी पूछताछ किया। किराएदार विनोद गुप्ता ने बताया कि मैंने आशीष वर्मा उर्फ मधु बाबू को किराए पर लिया था मकान, जबकि विधायक रश्मि वर्मा ने कहा कि यह मेरी निजी जमीन है, वहां कार्यालय खोला गया है। बता दें, थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आशीष वर्मा के मैनेजर ने आवेदन किया है, जिसके अनुसार यह विवाद पूर्व से ही है। दोनों के बीच संपत्ति विवाद का मामला न्यायालय में भी चल रहा है। ना कुछ नहीं है, अपने पावर का मिस यूज कर रही हैं। हम लोग दो भाई थे, आलोक वर्मा थे, उनका स्वर्गवास हो गया। ये लोग हिमालय में रहता था, हम यहाँ भगवती में रहते थे। ये जो भगवती है, ये जमीन हमारे नाम पर खरीदा गया है, हमारे ही द्वारा बनाया गया है। और वो पूरा परिवार आलोक वर्मा का हिमालय चित्र मंदिर में रहता था, हम पूरा परिवार के साथ यहाँ रहते थे। दो सिनेमा था हम लोग का, एक वो वहाँ रहते थे, हम यहाँ बाजार में रहते थे। और सभी किराया देना चाहे लेन देन करना है, जितना भी है आगे पीछे आप देख सकते हैं, भूमि भी मेरे ही नाम पर। और हम लोग में भाई के स्वर्गवास होने के बाद ये केस हुआ, इसमें रश्मि वर्मा केस की ये सब अपना रखे हुए हैं। तो वो तो पेपर दिखाएगा कोर्ट में, ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। इसका कमीशन भी आया था, कमीशन भी चेक किया था कि किसका ज़मीन है, सब पेपर दिखाया गया, पोजीशन का दिखाया गया, सभी पेपर मेरे नाम पर है। सभी इसका टैक्स, इसका जो भी है मालगुजारी, ये सब मेरे द्वारा दिया जाता है। फिर भी एक अपना वो विवाद बनाए हुई हैं, हमसे यही कह के यहाँ पर आके दो दिन के लिए कहें कि मेरा हिमालय बन रहा है, टूट रहा है, रहने दीजिए, और विनोद जी उनको रहने दिए। विनोद आज को हम रेंट पर दिए हुए थे यहाँ पर रूम सब। हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम नीचे रहने लगे, ऊपर में ही हमसे कहे तो हम इनको दे दिए और यही उनको शरण दिए। यही विवाद है, सभी तो न्यायालय में चल रहा है, आज से नहीं लंबित है। बार बार झगड़ा है कि मेरा है मेरा है, ये तो न्यायालय में ऑलरेडी उगई हुई हैं, तो न्यायालय ने डिसाइड करेगा। वो दे रहे हैं कि नहीं, सब उनका है, वो रहते हैं।